राजस्थान में बसपा के सभी 6 विधायक सोमवार देर रात कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 100 बढ़कर 106 हो गई है। इससे पहले राज्य में कांग्रेस सरकार को बसपा का बाहर से समर्थन था। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि सभी विधायकों का कांग्रेस में विलय पत्र मिल चुका है, अब इसमें किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं है। बसपा विधायक सोमवार रात 9:30 बजे पहले मुख्यमंत्री गहलोत से मिले। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जोशी से मिलकर देर रात कांग्रेस में विलय का पत्र सौंपा। विलय को जोशी ने मंजूरी दे दी। इसके बाद तमाम बसपा विधायक रात 11 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी स्थित गेस्ट हाउस पहुंचे और मर्जर का औपचारिक ऐलान किया। अब तक बसपा की ओर से कांग्रेस को बाहरी समर्थन था। उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट इस पूरे घटनाक्रम से दूर रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेश को नए विकास पथ पर ले जाएंगे। स्थायी सरकार के लिए राज्य हित में बसपा विधायकों का यह फैसला स्वागत योग्य है। उनकी भावनाएं अच्छी हैं। हम सब मिलकर राजस्थान को विकास के नए पथ पर ले जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2009 में भी इसी तरह बसपा के 6 विधायकों को पार्टी में शामिल किया था। इस विलय के मायने विधानसभा में गहलायत सरकार का नंबर गेम मजबूत हुआ। कांग्रेस विधायकों की संख्या अब 106 हुई। इस विलय से साफ मैसेज गया है कि गहलायत ने सियासत के सबसे बड़े जादूगर हैं, उनका कोई विकल्प नहीं। कांग्रेस में शामिल बसपा विधायकों का मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इससे कांग्रेस के भीतर भी संघर्ष होगा, लेकिन 2008 में गहलोत यह संतुलन साध चुके हैं। उपचुनाव और निकाय चुनाव में कांग्रेस को इस विलय का फायदा मिलेगा, क्योंकि बसपा के जो 6 विधायक कांग्रेस में आए हैं उनका जातिगत फैलाव काफी मजबूत है, इसका फायदा मिलेगा। बसपा प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का देर रात तक पता ही नहीं। बसपा प्रदेशाध्यक्ष सीताराम मेघवाल और प्रदेश प्रभारी धर्मवीर अशोक से रात करीब 11 बजे बात की गई। दोनों ने कहा कि उन्हें बसपा विधायकों के कांग्रेस में जाने की कोई सूचना ही नहीं है। अगर उन्हें पहले पता होता तो वे इस मर्जर को जरूर रोकते। मिल सकता है मंत्री पद बसपा के 6 विधायक अब कांग्रेस में है, इन्हें इसका इनाम मिलना तय है। सभी पावर सेंटर में एडजस्ट आएंगे। संभवतः इनमें से कम दाएं या अधिकतम 3 मंत्री तक बनाए जा सकते हैं। दाएं सचेतक आदि पदाएं पर एडजस्ट आएंगे। मंत्री दाएं सुभाग गर्ग का भी कांग्रेस में आना तय। इस प्रकरण के बाद आरएलडी से विधायक और कांग्रेस सरकार में मंत्री दाएं सुभाष गर्ग का भी कांग्रेस में आना तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बसपा की तर्ज किसी भी समय ऐसा हाई जाएगा। बसपा विधायकों के विलय में भी दाएं सुभाष गर्ग की भूमिका रही है।